इन नंबर्स को पढ़ना आसान है क्या? पढ़ सकते हो, मुश्किल होगा। तो नंबर्स जो हैं, पहले ये प्लेस वैल्यू को आपको सीखना पड़ेगा। तो प्लेस वैल्यू क्या है, ये जो है तो इसमें प्लेस वैल्यू पूछी है आपसे, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या है, पहले आपको जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 213689580889121006, ये सब नंबर लिखे हैं, ठीक है। तो अब इन्हें कैसे पढ़ते हैं, ये पूरा एक नंबर क्या है, जैसे आपके रुपीज़ होते हैं, पैसे होते हैं, और भी बहुत से नंबर्स होते हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं। तो पहले ये 100 वाला है, तो आपको इधर से याद करना है, ठीक है, इधर से। तो ये है वंस, टेंस, 100, याद कर लो, चबा लो, खा लो, याद रखना है, ये बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है, ठीक है। वंस, टेंस, 100। तो अब ये क्या हो गया, देखो जो नीचे नंबर है, इस नंबर के ऊपर जैसी प्लेस वैल्यू होगी, इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं, तो जैसी प्लेस वैल्यू होगी उसी तरह से इसको अब पढ़ना है। इस नंबर को अब हम 213 नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 200, ठीक है, 13, 3, ठीक है, 13, ये जो 1 है ये 13 है, ये टेंस की प्लेस पे है। तो थोड़ा सा और शायद समझ में आ जाए। लाइकवाइज मैं एक नंबर ले लेता हूँ दोबारा से, यही 213। तो 3 डिजिट्स वाले ये नंबर हैं, 213, 213, ठीक है। अब 3 जो है वो वंस की प्लेस पे है, तो इसके ऊपर ओ बना देते हैं। इसके बाद 1 जो है वो टी की प्लेस पे है, यानी टेंस की प्लेस पे है, और 2 जो है वो 100 की प्लेस पे है। ऐसे करके ये हो जाता है 213, और 1 जो है वो अलग ही। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, टेंस वालों में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, जैसे कि आपको मैं सारे नंबर्स ही आपके सामने दे देता हूँ, जैसे कि 1 अगर टेंस की प्लेस पे आता है, तो ये तो मैं बाद में बताऊँगा। फिर इसके बाद आता है, अगर 2 टेंस की प्लेस पे आता है तो वो हो जाता है 20, 3 अगर टेंस की प्लेस पे आता है तो हो जाता है 30, ऐसे ही 40, 50, 60, 70, 80, लास्ट में टी आ गया, चाय नहीं कहा मैंने, टी आ गया, TYT, TAT नहीं, तो टी आया। तो ऐसे टेंस की प्लेस पर ये सब चलता है, लेकिन जब 1 की प्लेस की बात आती है वहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर 1s की प्लेस पे आ जाती है, तो 1s की प्लेस पे अगर 1 आ जाता है तो वहाँ पर वो हो जाता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टीन आ गया है, लोहे वाला टीन नहीं, टीन, खाली टीन, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस और समझते हैं अच्छे से। तो ये है, मैं इस पे भी बना देता हूँ, 689 था तो वंस, टेंस, 100। तो अब क्या हो गया, ये 600, 80, 80, 80, ठीक है, 89, 689। ऐसे ये हो जाएगा 500। यहाँ पर 0 आ गया, 0 क्या होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 508, तो हम 0T नहीं कहेंगे इसको, इसको हम 0T नहीं बोल सकते, ठीक है। ये क्या है, बस 508, यानी 500 रुपीज़ आपके पास और 8 रुपीज़ और, तो 508। इसके बाद आता है 891, ठीक है। ऐसे ही जैसे 508 था, ऐसे ही आ गया 206, तो 0TH, 206, यानी 206। एक और बात मुझे याद आ गई अचानक ही,
हमारी जो बॉडी होती है उसमें 206 बोन्स होती हैं, शायद पता हो, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लिख लेना 206। तो 0 T नहीं बोलेंगे हम क्या कहेंगे, सिर्फ 206, 0 आ गया, ठीक है। अब ये 0 के बाद अब आता है ये 391, तो 0 लगाया TH, ठीक है, ये याद रखनी है, वंस टेंस हंड्रेड। वैसे और भी हैं इसके आगे के, वंस टेंस हंड्रेड, फिर आता है थाउजेंड, जिसे हिंदी में हम 1000 कहते हैं, फिर आता है 10,000, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, ठीक है, और फिर इसके बाद लैख 10 लैख। तो वो तो 5th क्लास में आता है आपका इंडियन वैल्यू सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर ये इंडियन वैल्यू सिस्टम में आपका 100 तक क्वेश्चंस हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम क्योंकि बहुत कम है तो 413, जो वन वाला डिजिट होगा, तो ये वन वाले जो होते हैं, तो जैसे होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, तो यहाँ पर वन वन आ गए सब, तो वन वन आ गए, इस वजह से उसको हम उसमें वन जो है उसमें हम उसको वन को टेंस मानते हैं, टेंस की प्लेस पे मानते हैं। अब प्लेस वैल्यू क्या है, तो जैसे कि मैंने पूछा कि यहाँ पर सर बताओ 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखो, 3 के ऊपर क्या है, वंस, वंस का सिंबल है ओ, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, वन है, और यहाँ वन की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100। ऐसे ही 9 की प्लेस वैल्यू 1, 8 की प्लेस वैल्यू 10, 6 की प्लेस वैल्यू 100, 8 की प्लेस वैल्यू वंस, 0 की 10, 5 की 100। समझ में आया। अब प्लेस वैल्यू को और अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और ये क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि प्लेस वैल्यू आपकी बुक वर्क में कैसे ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन द गिवन नंबर्स। अब जैसे कि यहाँ पे ही यही गुण चला देते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, तो 9, 9 की प्लेस वैल्यू क्या है सर, 1 है, तो आप लिख दो 9 वंस। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है सर, 8 की 10 है। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये 6 ऐसे आ रहा है ना, देखो 9, 8 और ये 6, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है सर, 6 की 100 है, ठीक है, ऐसे ही ये हो गया और ऐसे ही ये हो जाएगा। तो 8 की प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू हम यहाँ पर वंस लिखेंगे, ठीक है, वन, देखो वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है, तो वन, फिर 0 की, फिर 5 की। तो 0 की इन्होंने क्या पूछी है, 0 की प्लेस वैल्यू सर बताइए, तो 0 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर है 10, और 5 की 100, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया, तो पहले मैंने क्या किया, इन्होंने कहा है सर्कल द नंबर, सर्कल द नंबर विद वन इन वंस प्लेस। जो नंबर्स हैं जिनकी वन, जिनमें लास्ट में वन आता है, यानी वंस की प्लेस पे वन आ रहा है, वंस की प्लेस पे वन आ रहा है, जिनके लास्ट में वन आ रहा है, यानी ये जो वन वन है ना, वन, वंस टेंस हंड्रेड में वन है, तो यहाँ पर वन में, वन वाली प्लेस वैल्यू में, ओ के नीचे वन आना चाहिए, वो सारे वो वाले नंबर सर्कल करने हैं। तो 891, 206, 418, 391, 413, ये नंबर्स हैं। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अच्छे से आसानी से समझने के लिए मैंने इनको ऐसे लिख दिया, टाइम कम था तो क्वेश्चन नंबर 2 बस डालकर। तो यहाँ से आप समझ लोगे ये है क्या, तो ये वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है, देखो यहाँ से खुद सीख जाओगे।
अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नंबर है ना पूरा 891 को, इसको यहाँ लिख देता हूँ 891, जैसी जिसकी प्लेस वहाँ पे। ऐसे ही 206 को लिख दिया मैंने, ऐसे ही 418 को, ऐसे ही 391 को, ऐसे ही 413 को लिख दिया है। अब देखो लास्ट में वन वन वाली प्लेस वैल्यू में, वन वाली प्लेस वैल्यू में देखो कहाँ कहाँ वन आ रहा है। तो पहले वाला ये आ गया, ठीक है, फिर इसके बाद ये आ गया, यानी दो नंबर्स के लास्ट में वन है, उन्हें हम सर्कल करना है। तो इसमें कैसे करोगे आप, इसमें आपको एक तो 891 था, एक तो 891 था, एक 390। 891 को ऐसे सर्कल कर दो, फिर 391 को ऐसे सर्कल कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वो आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा, सर्कल द नंबर विद 6 इन द 10th प्लेस। वो वाले नंबर्स को सर्कल करना है जिनमें 6 जो है वो 10th की प्लेस में है, यानी ये जो 10 है ना, 10 इसकी प्लेस पे है, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये भी मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको आप ऐसे लिखोगे वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है। अब और अच्छे से समझ लो, 314 है, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, 369, 517, 468, 964, जिनके टेंस वाली प्लेस पे है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या है कि सिक्स हो टेंस की प्लेस पे, सिक्स हो टेंस की प्लेस पर। तो टेंस की प्लेस तो ये रही, सिक्स कहाँ आ रहा है, एक तो ये आ गया, फिर इसके बाद ये आ गया, फिर इसके बाद ये आ गया, यानी 369, 468, 964। तो सर्कल कर दो, 369 सर्कल किया, 468 फिर से सर्कल कर दिया, 964 फिर से सर्कल कर दिया। ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास सेंड कर देना, ठीक है। तो वीडियो को बगैर फिक्र किए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और कभी नहीं कहता तो आज फर्स्ट टाइम कह रहा हूँ कि बेल आइकन भी दबा दो मेरे यारों, ठीक है। गुड डे, गुड नाइट।